पिछले सेक्शन में हमने जो बात की थी वो एनर्जी के तवसत से इस तरह बात की थी कि कितनी जगह मौजूद है कितनी मौजूद है और उसको इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं तो जो सबसे बड़ा नुकसान उसका ये है वो इन्वामेंट के ऊपर है वो हर तरह की एनर्जी जो अभी तक मौजूद है अगर फ्यूचर में कोई नई एनर्जी इस्तेमाल हुई जैसे फ्यूजन है वो एक नई चीज़ है जो आने वाली है अगर वो शायद तब तक के बने लेकिन उसका अभी तक के कम से कम सौ साल तक के तो शायद मौजूद ना हो जो अभी मौजूद है एनर्जी उस सबका का एक इन्वायरमेंट पे एक इम्पैक्ट पड़ता है वो आज जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा वो पूरा जो एक सेक्शन है इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मसला मसलन एसिड रेन के बारे में ये सारी चीज़ें जो है ना पिछले आखिर के दो चैप्टर जो सेक्शन है ना वो सारे इसी के बारे में बताएंगे लेकिन आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर आगे जाके तफसील से बताएंगे कि क्या करना है इसमें ये कर्व आपने पहले देखा हुआ है कि जिस तरह से हमारी कार्बन कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले लोग कहते थे कि अगर साढ़े तीन सौ पार्ट्स पर मिलियन तक के कार्बन डाइऑक्साइड चली जाए उसके बाद बहुत नुकसान होगा अभी इस वक्त साढ़े चार सौ पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गई ये बात तो ये सब ये सब इंडस्ट्राइजेशन के बाद की बात है ये सारी चीजें तो जैसे ये आपने कर्व देखा यहाँ पे कि इसके अंदर जो जो अट्ठारह जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग का टाइम होता है उसके बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में बढ़ना शुरू हुई उसका ये एक एक ड्राफ्ट है कर्व है पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि इसमें इंडस्ट्री का इसमें क्या फर्क पड़ता है तो आज जो है उसको देखेंगे कि इन्वायरमेंट पे इसका इम्पेक्ट कितना पड़ता है तो ये भी कर्व आपने देखा कि ये ये है बिल्कुल डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लेवल के ये आखिर में जाके देखें जो अब हमारे जमाने की बातें हैं कि एकदम से कितना राइस किया है अब वो देखें करंट लेवल जो आपको बता रहा है वो जो है वो कभी इतना नहीं हुआ तो आपको मैंने जैसे बताया था कि कोई पांच कर्व ऐसे आए हैं पांच पीक्स ऐसी आई हैं वो पांच आइस एज की आई हैं अब लोग कहते हैं कि शायद अब छठी आइस एज भी आने वाली है अब वो देखें उसका क्या होता है तो ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इस सिलसिले में ये जो तीन कर्व्स हैं इन्वायरमेंट के बारे में जो बताया है वो जो सरफेस टेम्परेचर जो दुनिया का है उसका आगे बढ़ना और उसकी वजह यह कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से जितना आ, हीट जो है बाहर निकलती है मैंने अर्थ अलबेडो के बारे में जिक्र किया था उसकी वजह से जो हीट जो बाहर जाना जिसको ज़रूरी होता है ताकि इस अर्थ सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन कर सके वो मेंटेन नहीं कर पाते तो इसका मतलब अर्थ सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है तो अर्थ से अर्थ से टेम्परेचर बढ़ेगा तो यकीनन जितनी भी स्नो कैप है नॉर्थ और साउथ के अंदर स्पेशली नॉर्थ के अंदर जितना स्नो इस, कैप हो, वो मेल्ट होगा वो मेल्ट होगा तो पानी कहाँ जाएगा वो पानी समंदर में जाएगा अब समंदर का इसका मतलब लेवल राइज होगा तो सी लेवल राइज जो है वो दैट्स वन ऑफ द मेन इश्यूज़ राइट नाउ के इतने बड़े एक तो ये कि जो तूफान आ रहे हैं इतने बड़े uh, मैंने पिछले सेक्शन में आपको दिखाया था पाकिस्तान की बहुत सारी एग्जाम्पल्स दो uh, के अंदर जो तूफान आए थे वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इतनी एनर्जी है एटमॉस्फेयर के अंदर कि वो जितने भी तूफान आते हैं वो मानसून जो है एक के बाद एक एक के बाद एक वो सब एनर्जी की वजह से इतनी एनर्जी है एटमॉस्फेयर के अंदर उसके अलावा जितने भी अब देखें आप ये कितनी सारी जगह है दुनिया की जिसके अंदर ये सी लेवल राइज की वजह से जो लोग समंदर के आस रहते हैं उनको बड़ी परेशानी है बांग्लादेश के बारे में तो हम बचपन से सुनते आए थे कि वो हमेशा पूरा जनाब जब मानसून आती है तो बिल्कुल आधा डूब जाता है पाकिस्तान एक तिहाई डूब गया था पिछले दो हजार बाईस के अंदर तो और दुनिया की सारी मिसालें ये देखें कराची में भी ये जो सी लेवल राइस का जो मसला है उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हो गई हैं तो इस सब चीज़ के बारे में हम तफसील से बात करेंगे आखिरी सेक्शन के अंदर और कुछ देखें ये जो ग्राफ है इसमें आपको नजर आ रहा है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो जितना भी जो रेड एरिया है इसका मतलब वो सब रेड एरिया जो है वो सी लेवल राइस की वजह से मुतासर है अब आपको ये पता ही होगा कि समंदर, समंदर के समंदर के करीब के इलाकों में लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता है तो इसका मतलब सी लेवल राइज की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो अफेक्ट पड़ता है वो बिल्कुल जो साहली इलाक़ों में जो लोग रहते हैं उनकी वजह से तो उसकी बड़ी आजकल परेशानी लाख होगी हर जगह सारी दुनिया में ये तो एक एग्ज़ाम्पल है एक बड़ी और देखें ये जो बीच का आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं ये देख रहे हैं ये माउंट कलम है अफ्रीका की सबसे बड़ी पीक अफ्रीका में सारी जगह जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन इसकी हाइट की वजह से इसके टिप के ऊपर हमेशा स्नो रहती है हमेशा स्नो रहती थी अब जो पुरानी स्नो है उसके अलावा जो एरिया बचा है ना नए स्नो का वो शायद पंद्रह से बीस फीसद है तो जब हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे तो आप देखेंगे वो उसमें कि कितना घट के कितना रह गया है वो अब ये जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ना उसको तो आपने हर देखा ही होगा पाकिस्तान के अंदर दो के अंदर ये इन लोगों का पानी का सोर्स सिर्फ एक ही है ये अगर ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाए तो पानी कहाँ से आएगा और पानी नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगी एग्रीकल्चर नहीं हुई तो इंसान कैसे जिंदा रहेंगे तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात होती है और उससे भी ख़तरनाक बात जो है ये जो बेल्ट है इसको कहते हैं टेम्परेचर बेल्ट थर्मल बेल्ट एक जगह से जो हीट है वो निकल के दूसरी जगह आती है तो वो अगर टेम्परेचर बेल्ट कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो उसका क्या होगा और उसके कम होने की और ख़त्म होने की वजह यह है कि जो ऊपर से आइस मेल्ट होती है वो जो पानी आता है उसकी वो पानी प्योर होता है और जो समंदर का पानी होता है वो सॉल्टी होता है तो समंदर का पानी हैवी होता है तो वह नीचे चला जाता है तो समंदर का पानी ही वो हीट इधर से उधर ट्रा, ट्रांसफ़र करता है तो इसकी वजह से आइस मेल्टिंग की वजह से वो पूरा समंदर का पानी वो हीट इधर से उधर ले जाना बंद कर देता है तो जो जगह रहने के काबिल थी स्पेशली नॉर्दर्न एमोस्फियर के अंदर वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वहाँ पर लोग रह सकें क्योंकि इतनी वहाँ सर्दी हो जाएगी इसको वो कहते हैं सिक्स आइस एज जो पाँच तो हो चुकी हैं अब शायद छट्टी भी आने वाली है ये एक एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं हाशी मोतो अब तो रिटायर हो गए वो पाकिस्तान भी आए थे नथिया गली समर कॉलेज के अंदर उन्होंने एक ये उनकी एक स्लाइड थी जो मैंने उनसे मांग के इसमें लगाई है उसमें उनका कहना ये है कि जितनी भी हमारे पास जरूरी वो हैं जो जितनी भी हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं ना वो कुछ अरसे के अंदर ख़त्म हो जाएंगी जो मौजूदा सोर्सेज हैं जैसे कोल ऑयल गैस न्यूक्लियर भी न्यूक्लियर भी यकीन न्यूक्लियर कोई रीन्यूएबल सोर्स नहीं है तो उसके बाद क्या होगा तो उन्होंने वो देखा कि जो आज अभी जो हमारा इस्तेमाल है उस हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है अब ये देखें 2060 के अंदर उनके हिसाब से लोग इस पर यकीन नहीं करते कुछ लोग डिबेट करते हैं वो कहते हैं कि 2060 में जितनी मौजूदा चीज़ें हैं कोल मिला के थर का कोयला मिला के अब 2022 में 2023 में हम लोग हैं 2060 में सब खत्म हो जाएगा हालांकि हमारा जो एस्टिमेट है थर कोयले का वो काफी ज्यादा है लेकिन वो अब दो में नहीं हुआ तो शायद तीन में खत्म हो जाएगा दो एक सौ में खत्म हो जाएगा तो ये तो आ, एक एक प्रोजेक्शन है ना इसका मतलब है कि खत्म तो होना ही है इनको अब वो आ, उसके बाद क्या करेंगे तो इसका मतलब यकीनन कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको ढूंढना पड़ेगा